दोस्त, तो आज हम देखेंगे कि इन्वेंट्री डेज क्या होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल कंपनी करते हैं। स्टॉक मार्केट में कभी कभी आपको एक से ज़्यादा कंपनी इन्वेस्ट करने लायक लगता है, पर अगर हमें उन कंपनीज में से एक ही में इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे कंडीशन में हमें उन सिलेक्टेड कंपनीज़ को कई तरह के फाइनेंशियल रेशियो से कंपेयर करना होगा ताकि हम सिर्फ बेस्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो हम इस वीडियो में देखेंगे इन्वेंटरी डेज एक्चुअली क्या होता है और इससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में क्या फ़ायदा हो सकता है। बेसिकली इन्वेंटरी डेज एक फाइनेंशियल रेशियो है जिसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है इन्वेंटरी डेज इक्वल टू एवरेज इन्वेंटरी अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 365। इन्वेंटरी डेज ये बताता है कि एक कंपनी उनके टोटल इन्वेंटरी को कितने दिन में सेल कर सकते हैं। इन्वेंटरी का मतलब होता है कंपनी के पास प्रोडक्ट रेडी है सेल करने के लिए। साथ ही इन्वेंटरी में रॉ मटेरियल को भी इंक्लूड किया जाता है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब डायरेक्ट कॉस्ट जो कंपनी को प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में लगा है। ये हमें कंपनी की इनकम स्टेटमेंट से भी मिलता है। एवरेज इन्वेंट्री ये हमें मिलता है कंपनी के बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री का एवरेज करके। एग्जांपल के साथ बताती हूँ, कंपनी ए का ईयर 2021 में एवरेज इन्वेंट्री अगर 2200 करोड़ था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर 8500 करोड़ था, तो उसका इन्वेंट्री डेज आ जाएगा 2200 अपॉन 8500 इंटू 365, मतलब 94.47 डेज। मतलब कंपनी को उनके इन्वेंट्री मतलब रेडी वाले प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए इस केस में 94 डेज लगेंगे। इन्वेंट्री डेज से हम कंपनीज़ का कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब वो एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, क्योंकि हर इंडस्ट्री अलग अलग तरह से ऑपरेट करती है, इसलिए उनका इन्वेंट्री सेलिंग टाइम अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, कॉटन इंडस्ट्री के दो कंपनीज़ आप कंसिडर कर लो। अगर एक कंपनी ए का एवरेज इन्वेंट्री 1400 करोड़ है और इन्वेंट्री डेज 160 डेज है, और सेकेंड कंपनी बी का एवरेज इन्वेंट्री 2400 करोड़ है और इन्वेंट्री डेज 120 डेज है, इसका मतलब ये है कि कंपनी बी उनके इन्वेंट्रीज़ को कम दिन में सेल कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू कंपनी ए। दोस्तों, आपको इन्वेंट्री डेज कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये इजीली मिल जाएगा मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।